Headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. रियासत जम्मू और कश्मीर में खराब मौसम और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। कश्मीर में देर शाम बर्फबारी शुरू हो गई, वहीं जम्मू में दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 11 से 13 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश के इम्कान हैं। छोटे कारोबारियों को जीएसटी में बड़ी राहत। जीएसटी कर परिषद ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए 40 लाख तक सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को टैक्स चुकाने में झंझट से मुक्ति दे दी है। जम्मू शहर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। शहर में फेंका जा रहा कूड़ा कचरा नगर निगम के लिए भी मुसीबत बन गया है। गाड़ी नहीं आने से लोग नालों में कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। मलेरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस व अन्य बीमारियां हो सकती हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी यानी आज 53वीं पुण्यतिथि है। बता दें, शास्त्री जी 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में देश को कई संकटों से उभारा। केंद्र कैबिनेट ने गुरुवार को देश के अलग अलग हिस्सों में 3 नए एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें से एक एम्स जम्मू के सांबा के विजयपुर में, एक पुलवामा के अवंतीपुरा में और एक गुजरात के राजकोट में खोला जाएगा। उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा सीबीआई निदेशक के पद से हटाए जाने के बाद आलोक वर्मा ने चुप्पी तोड़ी है। आलोक वर्मा ने दावा किया है कि उनका तबादला उनके विरोध में रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से लगाए गए झूठे, निराधार और फर्जी आरोपों के आधार पर किया गया है। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।